शाबाश। हेलो 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 की तरफ से बढ़िया जवाब आया है, बढ़िया सवाल आया है। हालांकि अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं है हम, और क्या बेटे, हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ कहने के लिए, और क्या हम लोग दिल से कमजोर हो गए। सबीर भैया जी, जी ये जो लोग सुनने आए हैं, सुनने बस उनको ही सुना दीजिए, और क्या हम लोग इनको सुनाने के लिए आए हैं, तो बस ऐसा प्रयास करिए कि इनको अच्छा लग जाए। बहुत अच्छे, कल्पना चतुर्वेदी गा पाए चाहे ना गा पाए कोई जरूरी नहीं है, जो ये कीमती समय दे रहे हैं, कीमती समय, अनमोल समय, अनमोल है, वो कुछ लेकर के जाए, और क्या बाकी बढ़िया है, बढ़िया अच्छा। क्योंकि सबीर भैया कि जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है, सवर गई तो दुल्हन और बिखर गई तो तमाशा है। आपका फिल्म फिल्मी टुकड़ा आया है कि पहले सही
गीत आया कि लंका ना जाने के कारण कि लंका हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। पहला बा महातारी है, दूजा अक्षय कुमार, कुछ इसी तरह दो चार कारण बताए हैं। तीजी मैं तो लाचार कैसे जाऊं सागर पार। अदन भाई सबीर जी, गीत आपका बहुत बढ़िया आया है, हमारी माताएं बहने बैठी हुई हैं, आप सभी से निवेदन कर रही हूं कि बात बहुत सरल आनी चाहिए जिससे सभी के समझ में आ जाए। और क्या, ये लोग बड़ी उम्मीद लगा करके बैठे हैं सबीर भाई जी, हाँ तो प्रयास वो करना चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए। और क्या, गीत आपका बढ़िया है, बहुत अच्छा। अब लंका न जाने के कारण आपने बताए हैं, लेकिन जब कोई सीता जी की खोज के लिए सागर पार नहीं जा पा रहे हैं तो कहा कि फिर भेजा किसको जाए, भेजा किसको जाए। सब तो अपना अपना बखान करे जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हैं और क्या, हमारी तरह भैया खड़े हो, आ जाओ। अच्छा आप भी तैयार हैं क्या? आइए, आइए, आपके लिए बिल्कुल एकदम रास्ता खाली है, आइए आइए आइए। ये क्या बात है, राजेश गौतम, गौतम भैया हमारे, राजेश गौतम जी, बाहर क्या, आज के दानी यही है, और क्या, ये करण दानी से कम नहीं है, और क्या, ये कागज का नोट नहीं है, सोने का नोट दान कर रहे हो ये। भैया राजेश भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, और क्या, यही पुरस्कार देने में व्यस्त रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय भैया राजेश गौतम जी, आपके कर कमलों से 51 पद मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, सुनिएगा सुनिए। अजय हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हैं, जामवंत जी ने कहा कि आप चुप क्यों बैठे हैं, आप तो जा सकते हैं, बोले इतने लोग नहीं जा पा रहे, हम कैसे चले जाएंगे, तो कहा आपको याद नहीं आ रहा है क्योंकि हनुमान जी महाराज अपना बल भूल चुके थे, भूल चुके। सबीर भैया, भैया जवाब सुनिएगा, अब हनुमान जी महाराज को जामवंत जी उनका बल याद करा रहे हैं और कह रहे हैं हनुमान, हे हनुमान किसियों के ये 2121 रुपए श्री ज्योति प्रकाश वाजपेयी प्रधान पद के उम्मीदवार जब्बर खेड़ा, ये दान स्वरूप अर्पण कर रहे हैं कमेटी के लिए, और ये 501 मुद्राएं नीरज शुक्ला ज्ञानपुर, ये जो है दान स्वरूप कमेटी के लिए समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Oh, my God.
लंगड़ा जाने को तैयार। आपके में तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेरे में तैयार किया जा रहा है। सुनेगा सुने लंगड़ा जाने को तैयार हो जाएगा कुमार। आदरणीय हमारे शास्त्री जी, हमारे महाराज जी दुर्गेश महाराज जी, परम आदरणीय श्री दुर्गेश महाराज शुक्ला जी, आपके कर कमलों से बहुमूल्य 101 पद मुद्राएं हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये ताली बजाते रहिए, पुरस्कार देते रहिए, दोनों चीज कलाकार को ताने का काम करती है। और क्या बताते, यही तो होती है हमदर्द का ताने सिंकारा। और आदरणीय हमारे दादा ये 101 पद मुद्राएं प्रदान कर गए हैं, चाहूंगे एक बार नाम बता जाइए आदरणीय दादा जी। हेलो हाँ, और क्या बोलिए, बोल लगती मैया की। हमारे राजेश गौतम जी बार बार क्या बात है, लगातार और क्या दे रहे हैं पुरस्कार। हाँ, 101 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद आदरणीय हमारे श्री राम पंडित जी, आपके कार्यक्रमों से 51 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। सुनिएगा सुनिए, क्यों अब लंका जाने का कारण है कुछ, और फिर हनुमान जी को ही लंका क्यों जाना है उसका कारण है। सुनिए सुनिए कि जब मैं तेरी तो पूछ है, देखिए हनुमान जी महाराज की पूंछ है, पूंछ है यानी उनकी तो बड़ी पूंछ है। और क्या सबीर भैया, उनकी बड़ी पूंछ है, बड़ी पूंछ। और क्या लोग कहते वैसे कोई कार्यक्रम ऐसे परिस्थितियों में करा नहीं पा रहा, लेकिन महाराज जी की बड़ी पूंछ है, फलाने की बड़ी पूंछ है, उसी तरह हनुमान जी की भी बड़ी पूंछ है। तेरी लंका का विनाश करने के लिए मैं ही आऊंगी भैया जी। और माता भवानी हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र के अवतार है, और माता भवानी पूंछ बन के आ गई। लंका जाने को तैयार, लंका जाने को तैयार हो जा।
गाने का प्रयास किया है तो द्वापर से भी कुछ पंक्तियां दे रही हूँ, सुनेगा सुनिए। महाभारत हुआ है लेकिन भैया जी वहां से एक टुकड़ा जरूर सुनेगा, सुनिए। आदरणीय भी हमारे मुन्नू शुक्ला जी आपके कार्यक्रमों से ये 51 पद मुद्राएं हैं, मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूं, धन्यवाद, सुनेगा सुनिए। युद्ध के मिले तीन कारण है, भैया हमारे शिवम श्रीवास्तव, हाँ शिवम भैया शिवम श्री वास्तव, इनके पास में श्री वास्तव में है, 101 पद मुद्राएं, शिवम भैया बहुत बहुत धन्यवाद है, सुनेगा सुने। युद्ध के निभाने को तैयार हो जाता बने क्योंकि आदरणीय भैया जी हनुमान जी महाराज द्वापर में भी मिले और क्या, महाभारत हुआ, महाभारत हुआ, अर्जुन के सारथी तो कृष्ण बने लेकिन अर्जुन की रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजे हैं। वादन भाने को तैयार शुक्ला जी ज्ञानपुर निवासी आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं, इसी जवाब पर प्रसन्न होकर के सभी को मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए हमारी माताओं से निवेदन है, मैं आप ही लोगों के लिए ये गीत दे रही हूँ, जरा बैठ जाइए, क्योंकि भैया जी हेलो
अरे माताएं थोड़ी देर, थोड़ी देर के लिए आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए आप लोग, अभी अभी बैठे, अभी अभी आपको अभी व्यवस्था की जाएगी, आपको भेजने की, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, इतना समय दिया है, थोड़े समय और बैठे रहिए। और क्या बोलो बेटा, ये 101 रुपए श्री राम लखन वाजपेयी जब्बर खेड़ा निवासी प्रभु के चरणों में दान स्वरूप अर्पण कर रहे हैं, प्रभु मंगल प्रदान करें। और ये करण भैया माता जी की तरफ से 21 तक मुद्राएं हैं, मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है मेरी ओर से। आइए गीत पढ़ रही हूँ, मेरे जो सुनिएगा, फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं, सबीर भैया 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 बहुत ही साधारण गीत पढ़ रही है, सुने इसको, सुनिए और ले बेटा, माता जी का आशीर्वाद मिलना, माता जी। अरे हमारे भैया रमेश भैया जी की माता जी की तरफ से ये 21 पद मुद्राएं हैं, मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है, सुनिएगा, सुनिए फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं। स्तुति शुक्ला पुत्री नीतू शुक्ला ज्ञानपुर आज प्रकर कमलों से 51 पद मुद्राएं हैं, मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, सुनेगा। जिस समय जनकपुर में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, और क्या सूखा, ले लो बेटा, ले लो भैया, हमारे गौरव भैया जी आपके करकमलों से ये 51 पद मुद्राएं आपने भेंट किए हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, सुने सुनिए। तो जिस समय अकाल पड़ गया, विप्रो ने कहा जब राजा रानी हल चलाएंगे, भैया जी राजा रानी जब हल चलाएंगे तभी समस्या का हल मिलेगा, और क्या, हल से हल समस्या, मरिया छोटे मरिया भैया की तरफ से ये 21 पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, भैया हमारे श्री गोविंद शुक्ला जी ज्ञानपुर, आपके करकमलों से 101 पद मुद्राएं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है, लेकिन गीत को सुनिएगा भैया, महाराज जनक ने हल को चलाया, जब हल चलाया तो समस्या का हल किस प्रकार हुआ, सुनेगा, सुनिए। अरे भूमि सोने के हल से जब ज्योति, Oh!
खड़ा हो गया। जब हल चलाया तो हल का फल जाकर के मटके में लगा और जैसे ही देखा तो उससे कन्या प्रकट हो गई। तो महाराज जनक सोच रहे हैं लेकिन बेटियां हमेशा सौभाग्य से ही मिलती हैं। भैया मोहित जी चाना मरिया आपके कार्यक्रमों से ये 21 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया मोहित जी। आओ भैया राम शंकर जी चाना मरिया हाँ आपकी तरफ से भी 21 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद लेकिन सुनिएगा सुनिए हरे पिता के पुत्री कब होती के उदय हो भाग कब होती अरे अपने नाम से नाम को जोड़ा कभी सिया से मुख ना मोड़ा। लेकिन भैया दीपक मिलेगी और सबीर भैया गीत को सुनेगा जब पिता का शीश पर हाथ होता है। देखिए ये हमारे भैया यशराज पांडे के ज्ञान को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। भैया की तरफ से 51 पद मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा सुनिए जब पिता का शीश पर हाथ होता है। फिल्म इतनी आगे आ रहे हैं क्या कि छोटी छोटी रातें तो किस प्रकार प्रेरणा गया सुनेगा सुनिए कि छोटी छोटी खुशियों में खुश रह लेती है अरे बड़े बड़े भी दुख को ये नारी सह लेती है। अरे के पहले पितु का जी आशीर्वाद होता है। पिता का आशीष पर हाथ होता है। आचार्य पुनीत शुक्ला जी सीतापुर आपके कार्यक्रमों से आचार्य जी की तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। और ले बताओ लो बच्चन लाल भैया हमारे बच्चन लाल जी चांदा की मड़िया चांदा मड़िया चांदा मड़िया आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं हैं। और धन्यवाद है। नारी के जीवन में पहला संरक्षक उसका पिता होता है। जब बाल अवस्था है तब उसका संरक्षक उसका पिता है। लेकिन जब युवा अवस्था आई भैया जी भूमि शुक्ला जी और सृष्टि शुक्ला जी घनश्याम नगर से हैं। आपके तरफ से ये 51 पद मुद्राएं हैं। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना है। उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। सुनेगा सुनिए वही जानकी जब उनका विवाह हुआ राम जी ने धनुष का भंजन किया विवाह हो गया अयोध्या आई। लेकिन माता कैकेयी ने जब राम को ये वनवास मान लिया भैया हमारे दीपक नादान जी हरदोई क्या बात है दीपक भाई आप भी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और क्या अच्छे
अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं आप। बिल्कुल बच्चे आपकी तरफ से किस आइए बताए। कलाकार से कलाकार को पुरस्कार मिल जाए तो समझ लो कि रेगिस्तान से पानी निकाल लिया हम लोगों ने। अरे क्यावर पचमुद्रा ताज साउंड सर्विस आपकी तरफ से है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। यही साउंड व्यवस्था है ना, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साउंड सर्विस। वाह ताज। भैया हमारे श्री मनोज शुक्ला जी सेवरपुर आपकी तरफ से 101 पचमुद्राएं हैं, धन्यवाद है। क्या बात है। भैया हमारे मोनू मिश्रा जी सेवरपुर आपके कार्यक्रमों से 151 पद्मद्राएं हैं, मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ मोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या आदरणीय भैया सुनिएगा, पहले पिता अब दूसरा कौन है। संदीप शुक्ला भैया हमारे श्री संदीप शुक्ला जी सेवरपुर आपके कार्यक्रमों से 101 पद्मद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने सुनिए जब कैकेयी ने राम को वनवास मांग लिया है, राम वन के लिए जा रहे हैं, सीता मैया तैयार हो गई, प्रभु हम भी चलेंगे। राम जी ने कहा जानकी तुम वन में नहीं रह पाओगी, जानकी ने कहा तुम महलों में भी तो नहीं रह पाओगी, जानकी तुमको यही रहना है। नहीं प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकती, क्यों मेरे बेटा मुकेश बहुत गरम ढोलक बजा रहा है, इतनी गरम ढोलक बजा रहा है बेटा मुकेश कि ढोलक के छाले पड़ गए। अरे तुम ही से सोवे मेरे आभूषण, अरे लगे आप बिन भार ये भूषण, क्योंकि बंधा बंधा फेरों से मेरा ये जीवन, जिए बिन देह न बिन वारी, जिए बिन देह न बिन वारी, बेसी नाथ पुरुष बिन नारी, जिए बिन देह न बिन वारी, बेसी नाथ पुरुष बिन नारी। और प्रभु पत्नी के लिए तो मानो, पत्नी के लिए तो मानो, आज ईश्वर अग्नि महाराज जी सुने के लिए तो मानो, आज ईश्वर साथ होता है, जब पति का हाथ में हाथ होता होता है। आखिर तो क्या सुनिएगा, वही जानकी राम के साथ वन से फिर वापस लौटी अयोध्या। कुछ समय बाद जानकी को फिर वन भेज दिया गया। जानकी जी वाल्मीकि आश्रम में रहती हैं, वहाँ उनके दो कुमार हुए भैया जी, दो कुमार हुए लव और कुश। दो कुमार लव और कुश जो रहते थे आपस में बड़े खुश। सुने माता जानकी अपने दोनों पुत्रों से कह
मेरी आखिरी मेरे सहारे जानकी जी कह रही है क्या? अरे तुम ही आखिरी मेरे सहारे हो, और हम है तुम्हारे हमारे हो, अरे सवाल के जैसे पुत्र दुलारे हो, अरे प्यार से प्यारे नयन के तारे हो, बस खुशी में मेरी खुशी है, मेरी खुशी में तेरी खुशी है। पहले पिता रक्षक होता है, पुरुष का पति रक्षक होता है, लेकिन वृद्ध अवस्था में भैया जी, बाल अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति, और वृद्ध अवस्था में कौन है सहायक? सुनेगा, सुनिए। जब पुत्र का चरण में हाथ होता में। वाह, तो तीन लोग हैं लेकिन काम एक ही है। शीश पर हाथ है पिता का, हाथ में हाथ है पति का, और चरण में हाथ है पुत्र का। भैया जी, यही सच्चाई है, वही पुत्र जो पहलाद के समान हो सकता है, जो अपने माता पिता की सेवा करता हो, क्योंकि जिस माँ ने खोया खिलाया, पढ़ाया लिखाया, खुद गीले में सोई तुझे सूखे में सुलाया, पढ़ने गया कॉलेज तो एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आया। समझो, अरे माँ के लिए तो बेटा जी ध्रुव पहला दो, जब पुत्र का चरण में हाथ होता आदर्शी अनिल कुमार जी, ज्ञानपुर बीडीसी प्रत्याशी है, आपके कार्यक्रमों से 51 पद मुद्राएं हैं। बेसरी अशोक भैया जी, ज्ञानपुर निवासी, आपके कार्यक्रमों से 21 पद मुद्राएं हैं। मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, धन्यवाद। पिता का
501 मुद्रा रामू शुक्ला और ये 501 मुद्रा श्री दीपू शुक्ला ज्ञानपुर निवासी और ये 101 मुद्रा सचिव शुक्ला ज्ञानपुर निवासी कमेटी की तरफ से दान स्वरूप अर्पण कर रहे हैं। तो मंगल प्रदान करें। बोलिए दुर्गा मैया की जय। ये एक छोटा सा गीत रहा है और सबीर भैया चूंकि अब कट पीस का दौर शुरू हो रहा है और क्या बटे 20-20 हो जाए। तो छोटा सा एक कट पीस मेरी तरफ से है और क्या कौन सा बटे कौन सा भैया हमारे श्री राजीव गुप्ता जी आपके कदमों से बहुमूल्य 51 पद मुद्राएं हैं। मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। पूजने हमारे दुर्गेश महाराज जी आपके यहाँ आकर के बड़ा प्रेम स्नेह मिला है। बिल्कुल मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ इस स्नेह के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऊर्जा के लिए। धन्यवाद है। ये ऊर्जा प्रदान करते हैं क्या सुनिए। अरे क्या प्यारा क्या
असली गबरू है, बिल्कुल असली गबरू। बहुत अच्छा ढोलक बजा रहे। सुने, उदास ना हो बेटा, तुम उदास ना हो, तुम्हारे घर पे जाके बता देंगे कि हम बहुत अच्छा ढोलक बजा रहा लड़का ये। ये तो सच्चाई है, मुकेश भाई से ज्यादा मेहनत आजकल कीर्तन में कोई नहीं कर रहा। और क्या, ढोलक तमाम लोग गड़बड़ा रहे हैं, और क्या, लेकिन मीठी ढोलक केवल भैया बजा रहे हैं। और क्या, ढोलक बजाना बात अलग है और किड़बिड़ करना बात अलग है। हमारा मुकेश किड़बिड़ नहीं करता, लेकिन हमारा बुढ़ापा आ गया, हम ये नहीं समझ पाए ये किड़बिड़ किड़बिड़ क्या है, ये किड़बिड़ किड़बिड़ क्या है, ये किड़बिड़ किड़बिड़ क्या है, ये किड़बिड़ क्या है, क्या बात, क्या क्या बात है। सुने, सुनिए, आखिर प्रेम है क्या, क्या है भैया जी, दादा पंडित श्री राम दादा जी, अब तो नाम याद हो। और क्या, लेकिन यहाँ दिल लगा बेटा, आपके कर्म से 51 पद मुद्रा है, इधर से प्रणाम करूँ, लेकिन सुनिएगा, सुनिए भैया जी, अंधा होता है, कुछ जगह तो बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन कुछ जगह कुछ जगह देखने को मिल रहा है क्या, क्या अरे पर्दे के पीछे काम सब गंदा होता है। नेता जी आएंगे, बड़े बड़े भाषण देके चले जाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं वो तो सभी जानते हैं। बड़े बड़े भाषण दे देंगे, कह देंगे कि तुम्हारे गांव में बिजली आ जाएगी तो
खंबे तो हैं लेकिन उन पर तार नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये कानून बस अंधा होता है। इस तरह अरे किसी की है बंदूक किसी का कंधा होता है। अरे किसी की है बंदूक किसी का कंधा होता है क्योंकि ये